कैसे आप सब लोग देखें। अभी तक हम अपनी रीजनिंग फर्स्ट चैप्टर के 3 टॉपिक्स देख चुके हैं। आज हम देखेंगे टॉपिक्स नहीं सॉरी 3 लेक्चर देख चुके हैं। अब हम फोर्थ लेक्चर है हमारा, तो आज हम देखेंगे फोर्थ टाइप में क्या है हमारे में। तो देखिए आज मेरे ख्याल से लास्ट टाइप है। इसके बाद हम जितने भी हमने टाइप किए हैं उन सभी को एक साथ करके और एक मतलब कि रिविजन टाइप एक्सरसाइज करेंगे। उसमें ऐसे 10-12 क्वेश्चन या फिर ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्या टॉपिक, नियम निर्देश पर आधारित प्रश्न। मतलब कि हमें कोई नियम दिया होगा उस पर आधारित प्रश्न, उस पर आधारित प्रश्न करते हैं हम। कैसे देखते हैं, डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। अंग्रेजी अक्षरों से संबंधित एक नियम दिया होता है, मतलब कि जो अंग्रेजी वर्ड होते हैं ना हमारे ए टू जेड अल्फाबेट्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड हमें एक नियम दिया हुआ है। तो क्या यह नियम दो आसन अक्षरों के बीच छूटे हुए अक्षरों की संख्या का बढ़ता या घटता क्रम होता है। मतलब देखिए कैसे यह नियम दो अक्षरों जैसे कि ए और सी नियम, ए सी नियम अक्षरों के बीच छूटे हुए, देखिए इसके बीच कुछ छूटा हुआ है, देखिए बी नहीं है इसके, हमें ए के जस्ट बाद बी लिया था बट हमने सी लिया है। छूटे हुए अक्षरों की संख्या का बढ़ता, ये बढ़ते क्रम में ये हम ऐसे लिख सकते थे उसमें, क्योंकि इसमें देखो डेफिनेशन में ये भी बोला है कि बढ़ता या घटता क्रम कुछ भी हो सकता है, विपरीत क्रम में भी और सीधे क्रम में भी हो सकता है। अब देखिए देखो ये डेफिनेशन अब हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या बोला है डेफिनेशन में। देखो दो अक्षरों के बीच में एक अक्षर छूटा हुआ है, कैसे देखो उसमें भी बोला था कि यह नियम दो आसनों के बीच छूटे हुए अक्षर। देखो यह हमें इसमें हमें जो भी देखना है तो क्वेश्चन ये बारे में क्वेश्चन में ये करके दिया है और हमें ऑप्शन के थ्रू देखना है। फर्स्ट ऑप्शन ये देते हैं हम, हमें दिया हुआ है ई जी आई के एम। तो इसमें देख सकते हैं ई इनके नंबर, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था हर एक लेक्चर में बैठ कर बोल रहा हूँ कि हमें इनके नंबरिंग जरूर याद होनी चाहिए, वरना ये चैप्टर हमारे पास बेकार है। अगर जो आपको नंबर याद नहीं होंगे नंबर, अगर जो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी नंबर याद करने की, ई जे ओ टी वाई बनकर ई जे ओ टी वाई, कैसे ई पर 5 जे पर 10 ओ पर 15 टी पर 20 और वाई पर 25 इस टाइप से करते ट्रिक भी। और हमें इसके अपोजिट भी याद करनी है, मतलब कि जैसे कि ए का अपोजिट जेड वाई और बी का अपोजिट वाई, इस टाइप से हमें इनका अपोजिट भी याद करना चाहिए। ये हमारी एक्सरसाइज इनके नंबरिंग से हो सकती है। अब देखिए आपको इनके नंबरिंग ई 5 जी 7 आई 9 के 11 एम 30। तो देखिए कितना, अब हमें ये देखना है कि दो अक्षरों के बीच में एक अक्षर छूटा हुआ है, मतलब कि जैसे कि दो वर्ड है ना इनके बीच एक वर्ड नहीं है, एक वर्ड छूटा होना चाहिए। देखो इसमें एक वर्ड छूटा है 6 छूटा है, इसमें 8 इसमें 10 इसमें 12 इसमें हमें बाकी का ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 8 सही होगा क्योंकि उसने बोला है बस एक ही अक्षर छूटा हुआ है, तो हमारा एक ही अक्षर ऑप्शन नंबर ए में छूटा हुआ। और बाकी का ऑप्शन हम देखते हैं एम 30 15 एम 17 टी 20 यू 21। अब देखिए इसमें क्या है, एक अक्षर 14 छूटा है, इसमें 16 इसमें 18 और 19 छूटा हुआ, अगर इसके बाद कुछ भी नहीं छूटा तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत होगा। इसी टाइप से आगे के ऑप्शन भी देख सकते हैं। अब हमारा ऑप्शन नंबर ए पर ही हमारा आंसर आ गया, तो हम ऑप्शन नंबर ए को ही करेक्ट मानेंगे और बाकी के ऑप्शन हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं एक साइड पर। तो देखिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में देखिए कुछ भी हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, सबसे मान लीजिए ये हमारे पूरे चैप्टर में सबसे इजी टाइप था और सबसे इजी इसके क्वेश्चंस है। तो देखिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अंग्रेजी अक्षर वर्णमाला के विपरीत क्रम में है। डायरेक्टली ये देखना है कि अल्फाबेट्स जो होते हैं ना हमारे वो एकदम स्ट्रेट क्रम में होते हैं, वो सीधे क्रम में होते हैं, वो टाइम आया वाला भी बोल सकते हैं। तो ये बताना है कि इन जो ऑप्शन दिए हैं हमारे इन चारों ऑप्शन में से विपरीत क्रम में कौन सा है। तो विपरीत क्रम में ऐसे ही देख लीजिए ए बी सी डी, ये भी सीधे क्रम में जेड वाई एक्स, ये हमारा विपरीत क्रम में, ये हमारा आंसर हो सकता है के एल एम एन पी क्यू। अब देखिए बाकी सब सीधे अवस्था में चल रहा है और ये जो है ये हमारा विपरीत क्रम में चल रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। देखिए इतना ईजी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा पढ़ के एक बार क्वेश्चन ही पढ़ लेते ना तो डायरेक्टली आंसर बता देते। अब देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है,
दो लगातार अक्षरों के बीच चार चार अक्षर छूटे हुए हैं, मतलब कि दो लगातार, जैसे कि ये दो वर्ण है इनके बीच चार चार अक्षर छूटे हुए हैं। अब देखो मैंने बताया था इनके नंबरिंग याद होने चाहिए, अब हमें ये जैसे ये क्वेश्चन आया, अब हमें इनके नंबरिंग तो याद नहीं है, अब हम इनको कैसे करेंगे? ऐसे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, अल्फाबेट्स पहले लिखो फिर देखो किस में कितना गैप है, तो नंबरिंग से देखते हैं। देखो एक्स 24, S19, N14, Z7, Z26, U21, P16, K11, F6 और Z26, U21, P16, N14 और Z10, A1, D4 और G7, J10 और M13। देखिए अब हमने नंबरिंग लिखी ना, हमें पता पड़ गई ये वाला तो ऑप्शन कभी भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने बोला है चार चार अक्षर छूटे हुए हैं, इसमें तो बस दो ही छूटे हैं, देखो दो और तीन इसमें जो छूटे हैं, इसमें पाँच छः इसमें तो दो ही छूटे हैं। अब जैसे हमने ये वाला ऑप्शन लिखा, अब देखो स्टार्टिंग से देखने में ज़्यादा बेटर है, स्टार्टिंग से देखेंगे तो इसमें देखिए कौन कौन से वर्ड छूटे हुए हैं। देखो इसमें विपरीत क्रम में चल रहा है तो हमें पीछे से देखते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 देख लीजिए इसमें कितने वर्ड छूटे हुए हैं, 6। अब देखते हैं 14 के बाद क्या है, 14, 15, 16, 17, 18 और उसके बाद 19। देखिए इसमें चार छूटे हैं, इसमें छः छूटे हैं, तो ये हमारे ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला तो हमारा गलत होगा। अब आते हैं हम सेकंड वाले, मतलब 6 है 7, 8, 9, 10 देखो इसमें चार छूटे हुए, उसने बोला था चार ही अक्षर छूटे हुए हैं। अब देखो अब हमने ये ऑप्शन है, हमें थोड़ा सा डाउट है तो हम इसका भी पीछे से देख सकते हैं, 10, 11, 12, 13 देखो इसमें तीन अक्षर छूटे हैं, इसमें चार, उसने दस हमसे ये पूछा कि चार चार अक्षर छूटे हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए से होगा क्योंकि इसमें चार अक्षर छूटे हुए हैं। देखो और देखते हैं 11, 12, 13, 14, 15 देखो उसके बाद 16 जो हुआ है, फिर 16 के बाद चलेंगे 17, 18, 19, 20 चार अक्षर हो गए, फिर 21 तो दिया हुआ है, 21 के बाद 22, 23, 24, 25 चार चार वर्ड दिए हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें भी होगा क्योंकि इसमें सब में चार चार माइनस हो रहे हैं, चार चार माइनस हो रहे हैं इस टाइप से, तो हमारा ऑप्शन नंबर थ्री हमारा सही होगा। अब देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ, क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, दो अक्षरों के बीच एक अक्षर छूटा हुआ है, मतलब कि दो अक्षरों के बीच जैसे एम एंड एन के बीच कुछ अक्षर छूटा हुआ है, जैसे कि एन छूटा हुआ है एन के बीच। देखिए अभी मैंने बार बार एक चीज़ बोल रही हूँ कि इनके नंबरिंग याद होने जरूरी है, वरना ये क्वेश्चन हमसे हो ही नहीं पाएंगे बिना नंबरिंग के। तो देखते हैं इसमें, देखो एम का 13, 4, 15, P16, 19, 21 देखिए अब एक 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 अक्षर छूटा हुआ है इस टाइप से, सबके नंबर ही लिख लेते हैं पहले, 13, 15, 17, 20, 14, 15, 17, 19, 21 अब देखिए एक चीज़ देखते हैं, एक वर्ड मतलब कि उसने क्वेश्चन में बोला कि एक वर्ड छूटा हुआ है, एक अक्षर छूटा हुआ है, देखो 13 के बाद 14 छूटा है, 15 के बाद डायरेक्ट 16 है, बल्कि हमारे 16 छूटा हुआ होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखो ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, 13 के बाद 14 छूटा हुआ है, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17 है, 18 और 19 नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी गलत होगा क्योंकि एक ही वर्ड छूटा होना चाहिए। अब ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं, 14 के बाद डायरेक्ट 15 है, बल्कि एक वर्ड छूटा हुआ होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। अब देखते हो ऑप्शन में, अब देखो ये सारे हमारे तीन ऑप्शन गलत, अब बाकी का जो ऑप्शन बचा है तो हमारा वही आंसर होगा, डायरेक्ट ये देख लेते हैं और एक बार चेक भी कर लेते हैं। देखो 13, 14 छूटा हुआ है, यहाँ पर 14 होना चाहिए था, 15 है यहाँ पर, 16 होना चाहिए था यहाँ पर, 17 है तो 18 होना चाहिए था यहाँ पर, 19 है फिर 20 होना चाहिए था। देख सकते हैं इसमें एक वर्ड छूटा हुआ है, एक वर्ड छूटा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। देखते हैं और हम आगे के क्वेश्चन भी करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए क्या बोल रहा है, दो अक्षरों के बीच दो अक्षर होते हैं, सॉरी ये शायद क्वेश्चन गलत हो गया, अभी मैं एक सेकंड देख के बताती हूँ क्वेश्चन क्या है, दो अक्षरों के बीच दो अक्षर यहाँ पर छूटे आ गया, दो अक्षरों के बीच दो अक्षर छूटे होते हैं, तो देखिए मतलब कि ये जो वर्ड्स हमें दिए हुए हैं ना इनमें से दो अक्षरों के बीच, जैसे कि ये दो अक्षर है इनके बीच दो अक्षर और छूटे हुए होंगे। अब देखिए इनके नंबरिंग लिख लीजिए, 5, 6, 11, 13, 15
तो ऐसे ही जैसे हमने नंबरिंग लिखी ना, आसान शर्तों में नंबर लिखने पे ही पता चल जाता है। क्यों? फाइव के बाद डायरेक्ट सिक्स है, उसने बोला है दो अक्षर छुपे हुए हैं, तो इसके बीच देख लीजिए एक भी अक्षर नहीं छुपा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होने की कोई संभावना नहीं आती। हम देखे इसको, देखें फाइव एट इलेवन फोर्टीन और सेवनटीन। अब देखिए इसके बीच में सिक्स और सेवन दो वर्ड छुटे, नाइन टेन ट्वेल्व थर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन और सिक्सटीन। तो देखिए अब हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हमने ये जैसे कि ये नंबरिंग लिखे ना, हमें इनसे पता चल गया क्योंकि उसने बोला है दो अक्षर छूटे हुए, तो इसी ऑप्शन में इन दोनों के बीच, इन दोनों अक्षरों के बीच दो अक्षर छूटे हुए हैं, इन दोनों के बीच दो अक्षर छूटे हुए हैं, इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच। तो अब हमें हमारा आंसर यही मिल गया। अब हमें बाकी के ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि देखना चाहो तो देख सकते हो। वैसे भी हमें नंबरिंग फोर्टीन का एक ऑप्शन बोला है दो अक्षर छूटे हुए हैं, इसमें एक भी वर्ड नहीं छूटा हुआ है। थर्टीन के बाद डायरेक्ट फोर्टीन है। अब देखते हैं लास्ट वाला, हाँ फाइव एट इलेवन फोर्टीन और फिफ्टीन। देखिए फोर्टीन के बाद डायरेक्ट फिफ्टीन और उसने दो अक्षर के लिए बोला है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखो अगर जो हम नंबरिंग अच्छे से याद कर लें, मतलब कि एक बार देखते ही पता चल जाए कि इसका नंबरिंग तो ये होगा, इसका नंबरिंग तो ये होगा, इस टाइप से, तो हमारा आधा आंसर तो वहीं पर याद रहता है। हमें इतनी ये सब बाकी के देखो, हमने इनके नंबरिंग लिखे फर्स्ट का देखा और सेकंड का, हमें सेकंड पर ही नंबरिंग लिखने पर ही हमारा आंसर हमें पता चल गया। हमें तो ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्यों अपने टाइम वेस्ट करें, हमें जब हमारे यहीं पर आंसर मिल गया तो क्यों आगे के ऑप्शन देखे। तो अब देखिए आप हम इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या, लुप्त अक्षरों की संख्या एक समान नहीं है, मतलब कि जो भी अक्षर छूटे हुए हैं वो एक समान नहीं है। जैसे अभी तक हम देख रहे थे इन समय एक समान थे, तो उस क्वेश्चन में बोला था कि दो अक्षर छूटे हुए हैं, तीन अक्षर छूटे हुए हैं, एक अक्षर छूटा हुआ है। इसमें बोला है कि लुप्त अक्षरों की संख्या एक समान नहीं है, मतलब कि जो भी हमारे वर्ड छूटे हुए हैं, जैसे कि इन दो वर्ड्स में मान लीजिए एक वर्ड छूटा हुआ है, इसमें दो छूटे हुए हैं, इसमें तीन, इसमें चार, ऐसे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इसमें भी दो ही छूटे हैं, इसमें भी इस टाइप से नहीं होना चाहिए। बस उसने ये बोला है कि एक समान नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं, देखो नंबरिंग से ही हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो थर्टीन और ओ फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव। अब देखिए इनमें देख सकते हैं एक भी वर्ड नहीं छूटा, बल्कि हमें छूटे हुए भी चाहिए थे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होने की कोई संभावना ही नहीं है। देखो इसमें 14 छूटा हुआ है, इसमें 16 और 17, इसमें 18 के बाद 19 छूटा हुआ है, इसमें देखो एक वर्ड छूटा हुआ है और यहाँ पर भी एक वर्ड, बल्कि वो बोल रहा है कि एक समान नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं और हम आगे चलते हैं बी में, ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं क्या है। 16 और 18 20 22 24 और 26। अब इनमें देखते हैं, इसमें 17, इसमें 18 के बाद 19, इसमें 21 23 25। देखो इसमें एक एक वर्ड छूट रहा है, बल्कि एक एक वर्ड पे एक समान वही ये वाला हो गया, बल्कि हमें देखना है कि एक भी नहीं छूटा होना चाहिए, एक भी नहीं। तो देखिए अब हम लिखते ऑप्शन नंबर सी में 4 7 10 13 16 और 19। देखिए इसमें 4 के बाद 5 6 7 के बाद 8 9 10 के बाद 11 12 13 के बाद 14 15। देखिए इसमें भी वही सेम पोजीशन होगी। अब देखते हैं हम ऑप्शन नंबर डी में, तो डी पर 2 4 10 14 18 और 21। अब देखो इसमें देख सकते हैं क्या छूटा है, 3 इसमें 4 के बाद 5 6 7 8 9 10, इसमें हमारे पांच वर्ड छूट रहे हैं, पांच। देखो अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट करें तो देखते हैं 5 और 14 के बाद क्या है, 10 के बाद देखिए 10 है, 10 के बाद 11 12 13 तीन वर्ड छूटे, तीन हम इधर लिख दिया, और 14 के बाद 18 तो 14 15 14 के बाद 15 16 17 तीन वर्ड छूट रहे हैं। देखो और फिर 14 के बाद 15 16 17 17 ये तीन वर्ड हो गए, और आप देखते हैं 18 18 के बाद 19 20 दो वर्ड छूट रहे हैं। देखिए इसमें ये जो छूट रहे हैं, ये देखो एक समान छूट रहे हैं, इसमें एक समान, इसमें भी एक समान, और इसमें जो है इसमें एक समान नहीं छूट रहे, तो हमारा जो होगा ना हमारा ऑप्शन नंबर ए ही, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट होगा, जिसमें क्या है एम ओ आर टी एक्स वाई। किस टाइप से देखो इस वाले ऑप्शन को हम और गौर से देखते हैं क्या बोल रहे हैं इस ऑप्शन में।
हमने की नंबरिंग लिख ली, इसके बीच जो छूटा है वो ए वन छूटा है 14, और इसके बाद जो ये 15 है 15 से 18 तक 15 16 17 दो वर्ड छूटा हुआ है, दो वर्ड, और इसमें 18 है 18 के बाद 19 फिर एक वर्ड छूटा हुआ है। उसने ये बोला है कि एक समान नहीं छूटा होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ए छूटा था आगे भी ए ही हो जाता आगे भी एक ऐसे, या फिर यहाँ पर दो होते यहाँ पर भी दो, ऐसे नहीं होना चाहिए, एक समान ही नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा हो सकता है कि एक को छोड़कर एक इस टाइप से। तो देखिए आगे भी करते हैं, 18 से 20 तक एक वर्ड, फिर 28 21 22, देखो इस टाइप से 21 22 23, इसमें हमारे तीन वर्ड छूटे हुए हैं, तीन वर्ड, और 24 के बाद डायरेक्ट 25 है, 25 है, तो इसमें हमारे एक भी वर्ड नहीं छूटे हुए, तो 0। तो देखिए अब इसमें जो हमारा आया वो 7 नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा, बाकी सब में सेम सेम की पोजीशन आ गई है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, तो लगातार अक्षरों के बीच में छूटने वाले अक्षरों की संख्या घटती जा रही है, मतलब कि दो लगातार, जैसे कि ये दो वर्ड है ना, इनके बीच की संख्या घटती हुई जा रही है, बढ़ती हुई घटती हुई जा रही है घटते क्रम में, ये तो आपको पता होगा बढ़ते क्रम जैसे बोलते हैं बढ़ते क्रम घटते क्रम, ये एकदम बेसिक चीज है, ये तो सबको पता हो गया। तो देखिए अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ऐसे, इनके नंबरिंग 2 8 11 9 19, इनके नंबरिंग लिखिए। अब आते हैं इस तरफ ऑप्शन नंबर बी पर 2 7 11 14 16, ऑप्शन नंबर सी 4 7 10 13 16 19, ऑप्शन नंबर डी 2 6 10 14 18 और 20। तो अब देखते हैं कि उसने क्या बोला है, दो लगातार अक्षरों के बीच में छूटने वाले अक्षरों की संख्या घटते क्रम में होनी चाहिए। तो घटते क्रम में देखते हैं हम कैसे करेंगे, इसमें देखिए कितने वर्ड 2 के बाद 3 4 5 6 7, देख सकते हैं हमारे 5 वर्ड छूट हुए हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं 5 प्लस हो गया। उसने बोला है घटते क्रम में, अभी ये चीज भी देखनी है, 8 के बाद 8 9 10 दो वर्ड, 10 के बाद क्योंकि डार्क 11 है, और इसमें माइनस के 8 2 9 है 1 वर्ड माइनस हो रहा है, और इसमें प्लस में 10 हो रहा है। तो देखिए कि उसने लगातार घटते क्रम में बोला है, बल्कि ये तो बढ़ते क्रम में भी आ रहे हैं घटते क्रम में भी, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो नहीं सकता। आप देखो ऑप्शन नंबर बी क्या है, देखो 2 के बाद 3 4 5 6, देखो 2 के बाद जो आएगा बी के बाद सी डी ई एफ एफ, हमारे 4 वर्ड छूटे हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 4 लिख देते हैं, 4 प्लस हो रहे हैं, तो फिर यहाँ पर जी के बाद प्लस में 4 प्लस में 3 प्लस में 2, यहाँ पर 4 नहीं होना चाहिए शायद यहाँ पर कुछ, तो और आप ऐसे कर सकते हैं, पहले हम इसमें देख लेते हैं कितने कितने वर्ड छूटे हुए हैं, देखेंगे फिर हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। इसमें 4 के बाद 5, 4 के बाद देखिए 5 6 7, तीन वर्ड, देखो हमारे यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई, देखो 2 दिया हुआ है बी दिया हुआ है, बी के बाद सी डी ई एफ जी, जी जी पर हमारा आया तो 4 आया, सही है देखो। तो अब देखिए 4 के बाद 4 5 6, हमारे दो वर्ड छूटे हुए, 7 पर वो है जो यहाँ पर 2 आएगा, एक चीज हमारी गलत होगी 2, और फिर देखिए ऐसे ही देखते हैं, देखो वो ज़्यादा लिखने में थोड़ा जुड़ना पड़ रहा है उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होगी। तो देखो जी के बाद जी है, जी 7 पर है, और 10 पर क्या आएगा, देखो जी 7 पर है, जी के बाद क्या आएगा जी 8 9 9 पर, मतलब कि दो वर्ड छूट रहे हैं, इसमें भी हमारा 2 ही होगा 2। अब देखते हैं जे, जे के बाद जे 10 पर है, फिर 11 और 12, इसमें भी 2 ही वर्ड छूट रहे हैं, इसमें 13 है 14 15, इसमें भी 2 ही, और इसमें 16 है 17 18, दो वर्ड, देखो इसमें सेम आ रही है, तो हमें इतना तो पता चल ही गया कि हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी होने का कोई भी चांस नहीं है, बल्कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता। अभी मेरे को लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा भी कुछ गड़बड़ हो गई है, तो हम एक बार चेक कर लेंगे बाद में। अब देखते हैं बी जो है, अब देखते हैं इसको, इसमें बी है सी डी ई, तीन वर्ड,
फिर सिक्स है, सिक्स के बाद एफ, एफ है सिक्स पर, तो अब देखो एफ जी एच आई जे उसमें है, इसमें भी तीन वर्ड है, और आगे देखते हैं टेन में भी तीन वर्ड, इसमें भी 14 है, 15, 16, 17 तीन वर्ड, और इसमें 18, 19, 20, 21, 22 इसमें फोर वर्ड है। अब देखो मैम, देखो अब हमें ऐसे करके पढ़िए, इसमें एक समान छूट है, इसमें भी एक समान, और इसमें तो है नहीं, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये कुछ अजीब ही तरह से हमारा क्वेश्चन आया। तो देखिए हमारी इसमें कुछ गड़बड़ होगी क्वेश्चन में, देखो मैं एक बार चेक करती हूँ क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। देखो बी जी के एन टी, ये हमारा सही है। देखो अब इसमें क्या बढ़ रहा है, ये चीज़ हम देख सकते हैं। देखो अब हम इसमें बता देते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं। देखो इसको देखो बी है बी, तो इसमें देखते हैं आप हमारा ऑप्शन नंबर बी में फिर से देखते हैं क्या है। देखो सी डी ई एफ जी, इसमें पांच वर्ड हैं, पांच वर्ड, और इसमें चार, इसमें तीन, इसमें दो, देखिए टू से सेवन तक हमारे फाइव वर्ड, और फाइव सेवन से इलेवन तक हमारे फोर वर्ड, इलेवन से फोर्टीन तक थ्री वर्ड, और फोर्टीन से सिक्सटीन तक टू वर्ड। देखिए ये हमारे कटते क्रम की डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, और जो वो बोलता है कि बढ़ते क्रम में, तो उसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, हमने छः क्वेश्चन कर चुके हैं, हम दो क्वेश्चन और देखेंगे, मानते इनसे आपको समझ में आ ही जाएगा अभी तक आ गया होगा इतना दो। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या दिया हुआ है। दो अक्षरों के बीच तीन अक्षर छूटे हुए हैं, मतलब कि जैसे ये दो वर्ड है ना, देखो मान लीजिए हमें दिया ए और जैसे बी, मान लीजिए ए बी, ऐसे सपोज माना है। अब ये हमें दो अक्षर दिए हुए हैं, दो अक्षर हमें दिए हुए हैं, दो अक्षरों के बीच, अब ये देखो दो अक्षरों के बीच, इन दोनों के बीच तीन अक्षर छूटे हुए हैं, एक दो तीन, इन दोनों अक्षरों के बीच तीन अक्षर छूटे हुए हैं, तीन अक्षर छूटे हुए हैं, इस टाइप से करने। आप देखो हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या हुआ है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, इनके नंबर लिखते हैं 16, 18, 20, 21, 23। अब देखिए 16 के बाद 17, एक और 17 छूटा हुआ है, 19, 20 इसमें एक भी नहीं है, 0, और इसमें 22, ये वाला ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने बोला है कि तीन अक्षर छूटे हुए हैं, इसमें एक एक ही छूटा हुआ है, इसमें तो एक भी नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी पर, 6, 9, 12, 15 और एस में आया 19। तो देखिए 6 है, फिर 7 और 8 दो वर्ड, 8 है, 9 है, 10, 11 दो वर्ड, और उसने बोला है कि तीन अक्षर छूटे हुए होने चाहिए, इसमें तो दो दो ही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, 9, 13, 17, 10 और 2। देखिए अब इसमें 9 है, फिर 10, 11, 12 इसमें तीन वर्ड छूटे हुए हैं, तो इससे तीन वर्ड लेके हमें लगता है उम्मीद सी जाती है कि हाँ ये हो सकता है, हो सकता है, तब भी क्लियर नहीं है शायद। वैसे भी बोलते हैं कि जिस क्वेश्चन में मतलब कि जिस भी क्वेश्चन में पर परंतु लेकिन किंतु आ जाए, वो हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं रहता। तो अब हम इसको क्लियर कर देते हैं, देखो 13 है, 14, 15, 16 इसमें भी तीन वर्ड है, फिर 17 है, 18 के बाद देखो ये यहाँ पे बोला, शायद बोला था ना इस वजह से, देखो यहाँ पर 10 आ गया, बल्कि मैंने बोला था ना कि शायद हो सकता है, कंफर्म नहीं था कि ये आंसर होगा। अब देखिए तो क्या इसमें तीन वर्ड है, इसमें भी तीन वर्ड छूटे हुए हैं, तीन अक्षर छूटे हुए हैं, तो देखिए इसमें फिर 10 आ गया, तो
तक 10 करेंगे, फिर 18, फिर 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, इस टाइप से करके हमें फिर से ए टू जेड अल्फाबेट से स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बीच में जे आ गया, जे हमारा 10 पर है। अगर जो इसमें 21 होता तो हमारा ये आंसर हो सकता था। अब देखिए, अब हमारे तीन ऑप्शन गलत हो गए। अब हम इस वाले ऑप्शन को बिना चेक करे बता सकते हैं कि हमारे ये ऑप्शन राइट होगा। कैसे, अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि 11O15 S19 W23 81 पर। तो देखिए, अब यहाँ पर 11 है, 12, 13, 14, 3 वर्ड, ये 3 वर्ड हो गए। अब 15 है, 16, 17, 18, 3 वर्ड, फिर 18, यहाँ पर 23 है, सॉरी 18 हो गए, 19 है। अब 19 के बाद 20, 21, 22, ये भी 3 वर्ड हो गए। फिर 22 तक हो गए, 23 हमें दिया हुआ है, 24, 25 और 26, ये भी हमारे 3 वर्ड हो गए। फिर ए दिया हुआ है लास्ट में। तो देखिए, उसने ये बोला था कि 3 अक्षर छूटे हुए होने चाहिए, तो इनमें सबके बीच में 3-3 अक्षर छूटे हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट होगा। तो वैसे भी हमने ये सब तो चेक कर लिया था कि ये 3 ऑप्शन हमारे गलत है, तो हम ऐसे डार्क के भी बता सकते थे कि हमारा ऑप्शन नंबर डी ही राइट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में क्या बोला है, 2 अक्षरों के बीच आने वाले 5 अक्षर छूट, सॉरी ये क्वेश्चन सर, 2 अक्षरों के बीच आने वाले 5 अक्षरों को छोड़ दिया है। मतलब कि 2 अक्षरों के बीच, जैसे 2 अक्षर है, इन दोनों के बीच जो आने वाले, जो इन 2 अक्षरों के बाद आते हैं, वो 5 वर्ड हमने छोड़ दिए हुए, 5 वर्ड छोड़ दिए हैं, बस इतने ही बोला है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन होता है। इनके मैंने वो ही बताए थे कि नंबर लिखो 18, 24, 4, ऐसे 1, 2, 5, 16, 17, 20, 12, 13 और 17। देखिए, अब हम क्या बता सकते हैं, 1, 2, 5 है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता। इसमें भी 12, 13, 17 है, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि उसने बोला है 5 अक्षर छोड़ दिए जाए। इसके तो तुरंत बाद 12 के तो तुरंत बाद 13 है, तो इसमें कहाँ से 5 वर्ड छोड़ दिए। और इसमें भी ऐसे ही है कि 1 के तुरंत बाद 2 है, तो इसमें कहाँ से 5 वर्ड छोड़ते हुए दिख रहे हैं, कहीं से भी नहीं है। हम डायरेक्ट ये बता दें कि ये दो ऑप्शन गलत है। अब हमको जो हमें देखना है वो इन दोनों में देखना है, इन दोनों ऑप्शन में। अब देखते हैं स्टार्टिंग से चलते हैं ऑप्शन में, ऐसे 18 है 19 20 21 22 23 सॉरी 23। देखो इसमें 5 वर्ड छोटे हुए, 23 24 है, 25 26 27 26 हो गया, अल्फाबेट 26 ही होते हैं, तो 1 2 3। इसमें देखो इसमें भी 5 वर्ड छोटे हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। उसने ये बोला था कि 5 अक्षर छोड़ दिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए, हमें ऑप्शन नंबर सी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें ये डायरेक्टली देख लिया कि हमारा ऑप्शन नंबर बी और डी को गलत दिया। और फिर हमें ये स्टार्टिंग से ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो स्टार्टिंग से देखा हमारा ऑप्शन नंबर ए ही राइट आ गया, तो हमें बाकी का टाइम वेस्ट क्यों करें, हम ऑप्शन नंबर सी को क्यों चेक करें जब हमें हमारा आंसर मिल गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। तो देखिए, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, कल हम इस चैप्टर से हमने जितने भी टाइप देखे